झारखंड में मंत्रिमंडल में फेरबदल की चर्चा तेज है। सियासी गलियारों में हलचल हो रही है। इस फेरबदल से हेमंत कैबिनेट के कुछ मौजूदा मंत्री केवल विधायक रह जाएंगे तो कुछ विधायकों की ताजपोशी होगी। कहा जा रहा है कि बदलाव कांग्रेस कोटे के मंत्रियों में किया जाएगा तो मसला झारखंड मुक्ति मोर्चा में नहीं फंसा है। गौरतलब है कि फिलहाल हेमंत कैबिनेट में कांग्रेस कोटे के 4 मंत्री हैं। खबरें हैं कि 2 या 3 मंत्रियों को बदला जा सकता है। बता दें कि इस समय कांग्रेस कोटे से डॉक्टर रामेश्वर उरांव वित्त मंत्री हैं, बन्ना गुप्ता के पास स्वास्थ्य मंत्रालय है, बादल पत्रलेख कृषि एवं सहकारिता मंत्री हैं, तो वहीं आलमगीर आलम ग्रामीण विकास मंत्री हैं। चर्चा है कि इनमें से कम 3 मंत्रियों को बदला जाएगा। मंत्रिमंडल फेरबदल के साथ दिक्कत ये है कि कांग्रेस फिलहाल अंतर्कलह से जूझ रही है। हालिया कैशकांड ने आपसी मनमुटाव को और सामने ला दिया है। विधायक आपस में एक दूसरे के खिलाफ आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। झारखंड कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और मौजूदा वित्त मंत्री डॉक्टर रामेश्वर उरांव इसे हास्यास्पद और दुर्भाग्यपूर्ण बता चुके हैं। अब जबकि मंत्रिमंडल में फेरबदल की चर्चा है, आशंका है कि झारखंड कांग्रेस का अंतर्कलह और खुलकर सामने आ जाएगा। जाहिर है कि जो मंत्री पद से हटाए जाएंगे उनमें असंतोष होगा। वहीं जो विधायक मंत्री पद का आस लगाए बैठे हैं, यदि उनको ये पद नहीं मिला तो नाराजगी होगी। विधायक बगावत कर सकते हैं, शीर्ष नेतृत्व को आंख दिखा सकते हैं। कांग्रेस फिलहाल इस उहापोह में है कि किसको झाड़ें, किसको पोछें, किससे करें प्यार की बात। एक तो मनाते हैं, दूसरा रूठेगा, दूसरे को मनाएंगे तो तीसरा रूठ जाएगा। एक दर्जन विधायक मंत्री पद की चाह लिए बैठे हैं। चिंता किस किस बिंदु पर है ये भी समझ लीजिए। कांग्रेस के पास प्रदीप यादव को मिलाकर कुल 18 विधायक हैं। हालांकि प्रदीप यादव को फिलहाल झारखंड विधानसभा से कांग्रेस विधायक के रूप में मान्यता नहीं मिली है। तो बचे 17 विधायक। इनमें भी 3 विधायक कैश कांड को लेकर CID की हिरासत में हैं। 4 विधायक मौजूदा कैबिनेट में मंत्री हैं। बाकी बचे 9 विधायकों में से किसी 2 या 3 को ही मंत्री पद मिलेगा। वैसे में दिल्ली में बैठे शीर्ष नेतृत्व और झारखंड में पार्टी के अध्यक्ष और प्रभारी का सिरदर्द ये है कि किसका चुनाव करें। खबरें हैं कि शीर्ष नेतृत्व उन नामों पर विचार कर रहा है जिनका कैश कांड या राष्ट्रपति चुनाव में क्रॉस वोटिंग से कोई लेना देना ना हो। बावजूद इसके तनाव होना लाजमी है। गौरतलब है कि हालिया कैश कांड में इरफान अंसारी की गिरफ्तारी के बाद बेरमो विधायक अनूप सिंह ने अरगोड़ा थाने में उनके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करवा दी। बाद में इरफान अंसारी के वकील ने अनूप सिंह के खिलाफ केस दर्ज करने का आवेदन दिया। इसे लेकर कांग्रेस के कई विधायकों की तीखी प्रतिक्रिया सामने आई। कुल मिलाकर झारखंड में मंत्रिमंडल का फेरबदल तलवार की धार और आग का दरिया है। देखना है किसे जलन झेलनी पड़ती है और कौन निखर कर सामने आएगा। thefollowup.in लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब www.thefollowup.in